हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं, पहली बात तो हम आए अपने घर देहरादून, और यहाँ से हम जा रहे हैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी जगह पे लेके घूमने के लिए। और ब्लॉग को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छी जगह है। चलिए फिर देखते हैं। ये हमारा घर है, ये हमारे आम का पेड़ है, ये देखिए गाइस, ये हमारा घर है। हम जा रहे हैं घूमने के लिए। फ्रेंड्स, ये रास्ते का व्यू भी बहुत सुंदर है जाते हुए, और देखिए यहाँ से पहाड़ भी बहुत ही नज़दीक दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर व्यू दिख रहा था जाते हुए। थोड़ा धूप की वजह से आप लोगों को पहाड़ दूर तक लग रहे हैं, लेकिन बहुत पास से दिखते हैं ये। और ये देखिए, यहाँ पर ये किसी ने रिज़ॉर्ट भी बना दिया है। नदी का स्पेस है नीचे, यहाँ पर रिज़ॉर्ट बन गया है। सुंदर लग रहा था बहुत व्यू यहाँ का भी। पूल है, नहर नहीं है, छोटा सा पूल है बस। गाइस, ये है कालू सिद्ध मंदिर। यहाँ पर चार सिद्ध हैं, जिनमें से एक ये है जिसके दर्शन कराने के लिए हम आए हैं आज आपको। और बहुत ही सुंदर है, बहुत प्राचीन मंदिर है ये। चलिए देखते हैं आगे, व्यू बहुत अच्छा है। पूल बना हुआ है यहाँ पर। सुंदर से अच्छे से बनाया हुआ है। संडे को यहाँ पर भीड़ होती है, आज कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो बड़ी शांति सी हो गई। फ्रेंड्स, यहाँ पर इतनी शांति है ना कि मतलब शहर के शोर शराबे से ऐसी जगहों पे आ जाओ तो ऐसा लगता है कहाँ जन्नत में आ गए। बहुत ही शांत माहौल, एकदम बहुत शांति थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर। मंदिर खुला होता है, ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार आज भीड़ नहीं है तो इस वजह से बंद किया हुआ है गेट को। चलो भैया, देखिए कितना सुंदर है। माता काली, दुर्गा माता का मंदिर है। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है यहाँ पर। ऐसे बंदर कैसे लटक रहे हैं, इनकी वजह से यहाँ पर इतना जाल लगाया हुआ है। हम बहुत पहले आए थे। सुंदर से बना रखा है बहुत ही अच्छा करके। यहाँ पे ये बहुत ही पुराना पेड़ है पीपल का, बहुत सुंदर बना दिया गया है अब इस मंदिर को। पहले ऐसा नहीं था, जिस टाइम हम लोग थी लगभग 5-6 साल पहले ही आई थी यहाँ पर। देखिए तो सुंदर है, ये हमारे कालू सिद्ध बाबा। देखिए गाइस, यहाँ पर कालू सिद्ध बाबा की पिंडी है। देखिए यहाँ पर उनकी शक्ति यहाँ पर ही है। देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पे लोग अपनी मन्नत भी मांगते हैं आके, उनकी मन्नत पूरी भी होती है, बाबा सबकी मन्नत पूरी करते हैं। और ये जो अग्नि कुंड दिख रहा है आपको, यहाँ पर अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है, यहाँ पर हमेशा अग्नि को रहती है प्रज्वलित। ये यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पे संडे को भंडारे वगैरह होते हैं,
उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे स्पेस बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर बंदर मंकी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये जाल लगा के बंद कर दिया है। भंडारे होते तो बहुत परेशानी होती लोगों को, इसलिए ये घंटियाँ मन्नत के लिए बांधी गई हैं ना, ये लोग यहाँ पर मन्नत मांग के अपनी घंटी बांधी जाती है, चुन्नी में घंटी बांधते हैं, कालू सिद्ध बाबा सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर चार सिद्धि पीठ हैं, उसमें से एक है सिद्ध। चलिए आपको अग्निकुंड के भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पर हमेशा ये अग्नि जली रहती है, प्रज्वलित रहती है। यहाँ के भभूत लोग ले जाते हैं अपना टीके के लिए। और ये मंदिर के बाहर का एरिया है, ये मंदिर के बाहर का एरिया दिखाते हैं आप लोगों को। छोटा सा गेट है। ए बंदर ही बहुत है। ये लंगर, ये भी भंडारे के लिए है, ये एक स्पेस बना हुआ लंगर के लिए। और देखो कैसा है अंदर, वैसे कीर्तन वगैरह होते हैं यहाँ भंडारे के लिए। हाँ टेबल लगा देते हैं आजकल तो। ये मंदिर के पीछे का व्यू है, पीछे नदी है, पानी की आवाज़ आ रही है हमको। इधर से पीछे से भी है रास्ता, देखो एक और आया वो बाइक वाला घूम के। चलिए अब चलते हैं वापस। हाँ लोग आ रहे हैं, वही कोई कोई आ रहे हैं, पर संडे को ज़्यादा भीड़ रहती होगी। गायें बैठी हैं यहाँ पर, ये पाली हुई हैं गायें ना, पाली क्या मतलब, जो जैसे लोग छोड़ देते हैं तो हाँ दान कर जाते हैं लोग वो वाली गाय की तरह थोड़ी ना, जैसे भटकती रहते हैं बेचारे। इनको यहाँ के अच्छे में तो हैं, साफ अपना हरे भरे में। फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा मंदिर में विजिट करके, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जिस जिसने नहीं किया है। हम ऐसे ही आपको बहुत ही सुंदर सुंदर जगह दिखाने वाले हैं यहाँ पर। आपको आते हुए भी दिखाया था, ये देहरादून के भानियावाला में स्थित है कालू सिद्ध मंदिर। यहाँ के प्राचीन चार सिद्धि पीठों में से एक है, ये देखिए।